ये तस्वीरां देख तपदे मैदानी इलाके दे लोकां नूं कुछ देर ही सही राहत जरूर मिलेगी। ये पंजाब दे गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश दीआं तस्वीरां ने। मनाली दे रोहतांग दे विच ताजी बर्फबारी ने गर्मी तो राहत दित्ती है। सैलानियां दे चेहरे भी खिड़ गए ने, पर हुण पंजाब वल गुआंढी सूबे तो ठंडियां हवावां कदों आउणगीआं तां इस लई इंतजार करना पवेगा। वैसे पंजाब दे विच वैस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गई है, इसे करके वीरवार शाम नूं सूबे दे कुछ इलाकियां दे विच धूल भरियां हवावां चलियां। इस दे नाल ही पिछले 24 घंटें च पारे च करीब 1 डिग्री की गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने वैसे अज दे लई येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस तों बाद अज तापमान च 2 तों 3 डिग्री की गिरावट देखने नूं मिल सकती है। हालांकि सूबे दे ज्यादातर इलाकियां दे विच तापमान 45 डिग्री दे आले दुआले ही रहेगा। गर्म हवावां भी चलणगियां। जानकारी मुताबिक पिछले कई दिनों तो पंजाब दा सब तों गर्म शहर बठिंडा सी, पर लंघे कल यानी कि वीरवार नूं फरीदकोट सब तों गर्म शहर रहा। इत्थे तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर राजस्थान दा श्रीगंगानगर भी इन्ना ही गर्म रहा। इस नूं देश दा सब तों गर्म शहर दस्या गया। अज भी इत्थे तापमान 48 डिग्री दे आले दुआले रहेगा। मौसम विभाग दे वल्लों जो जानकारी दित्ती गई है उसके मुताबिक राजस्थान दा गंगानगर 48.3 डिग्री सैलसीयस तापमान दे नाल सब तों गर्म शहर सी, जदों कि मध्य प्रदेश दा सिद्धी, उत्तर प्रदेश दा वाराणसी अते इसे तरह दे नाल पंजाब दा पटियाला भी काफी गर्म रहा। इत्थे 46.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।